अयोध्या के विभीषण कुंड स्थित बघई मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें महंत विश्वंबर दास ने अपने उत्तराधिकारी शिवदास को सभी अयोध्या के साधु संतों द्वारा विधि विधान पूर्वक कंठी चादर देकर बघई मंदिर के महंत बनाकर मंदिर की जिम्मेदारी दी और बताया कि ये मैंने अपने उत्तराधिकारी को बघई मंदिर का महंत बनाया है और मंदिर की जिम्मेदारी दी और इसी वार्षिक भंडारे में अयोध्या के साधु संतों को भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं नवागत महंत शिवदास ने बताया कि मेरे गुरु विश्वंबर दास ने मुझे इस मंदिर की जिम्मेदारी दी है, मैं उसका सदैव निर्वहन करूंगा और संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा करूंगा और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। आज का कार्यक्रम हमारा वार्षिक भंडारा रहा, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि जो मैं 5 साल पहले उत्तराधिकारी को वसीयत लिख दिया हूँ, आज उनको महंती चादर दे करके उत्तराधिकार दे दूँ। हमारे मंदिर में छावनी के महंत जी आए थे, बड़ी जगह से आए थे, हनुमान गढ़ी और हनुमत टेकरी, हनुमत निवास, हनुमत सदन, तमाम यूपी बिहार से लोग, तमाम सेवक सती लोग आए थे, सबका भंडारा हुआ, माला चादर हुआ और मैं विश्वंबर दास, मेरे शिष्य शिव कुमार दास को हमने जो है वो चादर कंठी माला दे करके और संतों द्वारा माला दिया गया और यहाँ का उत्तराधिकार दिया। हाँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं कि जितना हम निर्वाह संत वेश में रह कर किए, इससे ज़्यादा समाज में और संत में, ब्राह्मण में और भक्तों में प्रेम रखें और अपना नाम जस कृति आगे करें। ये बघई मंदिर है, इनका मुख्य, ये जो बड़ी जगह से है, छावनी से जुड़ा है और कुशी नगर में हमारा बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्थान सिद्धपीठ बघई धाम। हमारा नाम विश्वंबर दास जी है। इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमारे महाराज जी ने हमें कंठी चादर दिया है और श्री श्री 1008 श्री श्री विश्वंबर दास जी महाराज जी की पुण्यतिथि पे यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और आज से जो कार्य निर्वाहन होगा मंदिर का, मंदिर के प्रति पूरा स्नेह और श्रद्धा सृष्टा रहेगा हमारी तरफ से और हमारे जो महाराज जी, पूज्य महाराज जी हैं, उनकी तरफ से उनका छत्र छाया बना रहेगा हमारे ऊपर और इनके निर्वाह में सब कार्य होगा, संत सेवा और गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा सब। शिव कुमार दास, श्री बघई धाम, सिद्धपीठ बघई धाम।